ये दो कैदी थे एक दूसरे से अनजान, इनके कारण जरूरी हुए उंगलियों के निशान। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ने चेहरे के 8 लक्षणों के आधार पर यह जानने की कोशिश की थी कि हमशक्लों के पाए जाने की कितनी संभावना होती है। उनकी रिसर्च का नतीजा था कि आम लोगों में यानी कि जुड़वा भाई बहनों में हूबहू हमशक्ल मिलने की गुंजाइश 10 खबर में एक होती है। यही वजह है कि पहले अपराधियों की फोटो लेकर काम चला लिया जाता था। ये माना जाता था कि अगर शक्ल मिलती जुलती होगी तो भी दो लोगों के नाम अलग होंगे ही। लेकिन अमेरिका में हमशक्ल अपराधियों के बेहद ही अनोखे मामले ने पुलिस विभाग को भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऊपर जो चित्र में बाई और जो व्यक्ति है उसका नाम है विल वेस्ट, तो वही दाहिनी और विलियम वेस्ट है। क्या आपको दोनों के रंग रूप में कोई अंतर नजर आ रहे हैं? शायद आपका जवाब ना हो। उन्हें देखकर अमेरिका के कंसांस में जेल के अधिकारी कर्मचारी भी हैरान रह गए थे। ये 1903 की बात है जब विल वेस्ट को लिवेन वेस्ट जेल में लाया गया था, तो रिकॉर्ड रखने वाले क्लर्क का कहना था तो उसे 2 साल पहले भी जेल में रखा गया। क्लर्क मैक्लॉफरी के पूछने पर विल ने बताया कि उसे पहली बार जेल हुई है। तब क्लर्क ने बर्टिलन मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैदी के शारीरिक लक्षणों को मापा। इस माप जोक के बाद उसे पक्का यकीन हो गया कि कैदी झूठ बोल रहा है और वो 2 साल पहले भी जेल में रह चुका है। क्लर्क ने अपने रिकॉर्ड चेक किए तो उसे विलियन वेस्ट नामक कैदी की फोटो मिली। तस्वीरों में किसी भी एंगल से विलियन और विल में कोई अंतर नहीं था। उनका बर्टिलन मेजरमेंट भी एक जैसा था, जो उस जमाने में किसी व्यक्ति की पहचान पक्की करने के लिए पुख्ता तरीका माना जाता था। इसके बावजूद विल लगातार इनकार करता रहा कि वो विलियम नहीं है। आखिरकार क्लर्क ने गहरी जांच की तो पता चला कि जिस विलियम नामक अपराधी को 2 साल पहले हत्या के जुर्म में जेल हुई थी वो अलग है। एकदम अनजान हमशक्लों के इस केस ने अमेरिका पुलिस विभाग को चक्कर में डाल दिया। इसके 1 साल बाद 1904 में सेंट लुई वर्ल्ड फेयर में क्लर्क की मुलाकात स्कॉटलैंड यार्ड के सार्जेंट जॉन के फेरियर से हुई। जॉन ने उन्हें बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पिछले 3 साल अपराधियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रही है और अभी तक किसी भी भ्रम की स्थिति नहीं आई है। इसके बाद जल्द ही लिवेन वेस्ट जेल में अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए उंगलियों की छाप लेने का चलन शुरू हुआ और अमेरिका की पहली फिंगरप्रिंट रिपोजिटर शुरू हुई। इसके बाद उसे सारी दुनिया में मान्यता मिली। तो देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, प्रिया की रिपोर्ट।